इंदौर में शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने उग्र प्रदर्शन करने पर अड़े युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मंसूबे धरे रह गए। पुलिस ने सीएम के आने के पहले ही उन्हें पकड़ लिया और 5 घंटे तक नजर बंद रखा। दोपहर 2 बजे के बाद जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से रवाना हुए तब उन्हें छोड़ा गया। रोजगार दिवस पर माणिक बाग के अमरदास हॉल में सीएम टॉय क्लस्टर के शुभारंभ के लिए शहर में थे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूर युवक कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारों की डिग्रियां नाले में फेंक कर प्रदर्शन करने वाले थे। मुख्यमंत्री के रोजगार देने के उद्देश्य से टॉय क्लस्टर के शिलान्यास कार्यक्रम के विरोध में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली थी। ये सभी कार्यकर्ता सुबह कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर खान के कार्यालय पर इकट्ठा हुए। इन लोगों ने कुछ बेरोजगार युवकों की डिग्रियां भी एकत्रित कर ली थी। इनकी प्लानिंग मुख्यमंत्री के आते ही रास्ते में पड़ने वाले एक नाले में ये डिग्रियां फेंक कर विरोध प्रदर्शन करने की थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि खान के चाचा का इंतकाल हो गया है, इसलिए विरोध प्रदर्शन कैंसिल कर दिया गया है। उधर कार्यकर्ताओं ने खान से कहा कि हम लोग ही विरोध प्रदर्शन कर लेंगे। दूसरी ओर पुलिस को फिर खबर मिली तो वह खान के कार्यालय पहुंची। यहां तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस से बचकर नाले तक जाने की कोशिश की। इसे लेकर काफी आपाधापी मची और पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को वहीं नजरबंद कर लिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें छोड़ दो तो पुलिस ने कहा कि मुख्यमंत्री 10 बजे पहुंचने वाले हैं, उनके 1.5 घंटे प्रोग्राम के बाद उनके जाते ही छोड़ दिया जाएगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे देरी से आए और दोपहर 2 बजे इंदौर से रवाना हुए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ा। इस तरह से कार्यकर्ता 5 घंटे नजर बंद रहे।